What is an atomic number? So, atomic number, in simple words, we can say that it is an identity of atom. जैसे एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं जो उनकी आइडेंटिटी हो सकती है, ऐसे ही जब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल पर अरेंज करना हो तो उन्हें एक आइडेंटिटी दी जाती है, और वह आइडेंटिटी एक यूनिक क्राइटेरिया पर होनी चाहिए, और वह यूनिक क्राइटेरिया क्या है, सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड. सो एटॉमिक नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, जीरो न्यूट्रॉन है और वन इलेक्ट्रॉन है. सो क्योंकि वहां पर वन प्रोटॉन है इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वन. सो इन अ शॉर्ट, एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. द रीजन कंसिडरिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज that if number of proton changes, the identity of an element will change. आगे हम देखेंगे, न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होने पर आइडेंटिटी में चेंज हो जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होने पर उनकी आइडेंटिटी में चेंज हो कोई जरूरी नहीं है. प्रोटॉन एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि एक क्लियर तरीके से एटम की आइडेंटिटी दे सकता है. गुड रिया, यस गुड स्वाति. इस तरीके से आप देखेंगे कार्बन एटम, कार्बन एटम के अंदर देर आर सिक्स प्रोटॉन, देर आर सिक्स लेट से न्यूट्रॉन एंड लेट से देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन, क्या एटॉमिक नंबर होगा? हालांकि इनमें से आप कोई भी क्राइटेरिया इस्तेमाल करें, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, सिक्स. कार्बन की एक और फॉर्म हो सकती है जैसे लेट से C13, जिसके अंदर प्रोटॉन्स सिक्स है, न्यूट्रॉन सेवन है, लेट से इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में सिक्स है, तो यहां पर भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, सिक्स. सो कार्बन है तो कार्बन हैज टू बी सिक्स. अगर वो एटॉमिक नंबर सेवन होता तो फिर वो कार्बन होता ही नहीं, फिर वह न्यूट्रॉन होता. यस स्वाति, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पंकज सिक्स, बिल्कुल मोनिका, वेरी गुड सिक्स, बहुत अच्छी बात है. सो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज किया गया है. आज हमारी बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको लग सकता है कि बहुत मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, पर वापस जिनको ज्यादा केमिस्ट्री आती है उनके लिए क्लास यूजफुल नहीं है. ये आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए क्लास है जिनको केमिस्ट्री नहीं आती. मुझे भी केमिस्ट्री नहीं आती, आपको भी केमिस्ट्री नहीं आती, हम दोनों मिलकर हमारी बायोकेमिस्ट्री को स्ट्रांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में बायोकेमिस्ट्री आ सकती है. वो तो मतलब एटम के अंदर एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो तक पहुंच जाएंगे, हम उनका पीछा नहीं कर पाएंगे. हम बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान रखना, हम ज्यादा डिटेल में हमें बायोकेमिस्ट्री नहीं चाहिए. थैंक यू कानिनाम. वापस मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, हमें ज्यादा हाई फाई बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है. ओके, चले आगे चलते. तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट इज एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज एन आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, द आइडेंटिटी ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके, सो किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वह उसका एटॉमिक नंबर होगा. हमें केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, और अब टेंशन ही मत लो, हमें इतनी ही केमिस्ट्री पढ़नी है, जितनी मुझे आती है मैं उतनी तो पढ़ा पाऊंगा. ओके, और जितनी मुझे आती है उतनी आपको आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है. थोड़े टाइम के अंदर
अगर मुझे केमिस्ट्री आ सकती है तो आपको भी केमिस्ट्री आएगी, स्पेशली उतनी केमिस्ट्री जरूर आएगी जो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ओके अब तक तो बात समझ में आई ना, हम अब तक हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी, हमने मैटर के बारे में बात की है, फिर एलिमेंट्स के बारे में, फिर एटम्स के बारे में, फिर कुछ क्वेश्चंस की बात की हमने कि सारे एलिमेंट क्यों नहीं होते, छह एलिमेंट क्यों होते हैं, कार्बन एलिमेंट क्यों ज्यादा प्रेफर किया गया, यहां तक की बात की, सिलिका बेस्ड लाइफ होती तो क्या होता, यहां तक हमने डिस्कशन किया। फिर हम एटम के स्ट्रक्चर पर आ गए कि एक्चुअली ये एटम बला क्या है, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है और एटम की आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर है। सो तीन मिनट में हम सारी चीजें रिवाइज कर ली अब तक जो हमने